सीमा हैदर को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, दो कई दिन से उनसे पूछताछ हो रही है, एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है या इंडिया में, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो जाना नहीं चाह रही है। वैसे तो बहुत कुछ बोल रही है कि पाकिस्तान मुझे नहीं जाना है, वहाँ पे लोग मार देंगे। तो उससे रिलेटेड हम कुछ देखेंगे, ट्रेंडिंग मीम्स दैट एक्सपोज्ड सीमा हैदर, सीमा हैदर से को एक्सपोज करने वाले कुछ मीम्स देखेंगे। चलो ये कुछ एंटरटेनमेंट वाला सीन है, सीरियस मत हो जाना। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इट नाउ। तेरी बहन की स्वरिया काटूं, आ मत जाइए दोबारा से यहाँ पे। पुनीत बिग बॉस इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। क्यों सीमा, बताइए कि जब आप गेम आपने पबजी खेलना शुरू हुआ, पबजी पे आपको सचिन मिले, कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। ये रहा नहीं जाता। तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती ही थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। समझ रहे हो? कश्ती किसने बनाई है? ये भाई बैठे ना, इन्होंने बनाई है। इनका नाम बाबू है, सही है, बाबू भाई है इनका। 50 साल से बैठे हुए। ठीक है, समझ गया। इनके अब्बू क्या करते थे? यही काम करते, कश्तियाँ बनाते थे। कश्तियाँ बनाते और बाल्टी में चलाते। बाल्टी में कश्ती। अंकल ये कश्ती आपने बनाई? नहीं बेटा, और क्या, वो तो बोल रहे हैं आपने बनाई है। हाँ, उसकी अम्मा के साथ। इसकी माँ का बोला चेहरा तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा हमजा, वेलकम टू असना मनाए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। भाई जब हमने लोगों को बताया कि एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो लाहौर से है, उसको खाने का शौक है, तो लोग समझे मियां साहब वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या नाम है आपका? हीरा अर्शद। हीरा क्या करती तुम? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप? मैथ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैथ पढ़ाती हूँ जी। 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है? 4। म्यूजिक। तू मेरा पुत्र खेती का था। तो हेरा मैडम से पढ़ रहा है, मैं गुजारिश करूंगा बेटा एक बार और पढ़ लो। क्या करते हो आफिज उसामा? तो बच्चे शरारते करते हैं ना, जब उनकी अम्मियां सामने नहीं होती, पीछे 2000 चपेड़ लगा देते। और क्या करते हो? मजाक के। अब क्या करते हो? मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको देखो इतना टाइम है इसके पास, यहाँ भी आ रहा है, ठंडी जुगत भी लगाई, ठीक है, फिर अपना पढ़ता मुझे, भी है। मुझे पता था कि ऐसी कोई ठंडी आएगी, मैं तभी जैकेट पहन के आया। देखो तो तुम डकी के घर से आ रहे हो, इसलिए पहन के आए। दो दिन में पलट गया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मेरे साथ तो इजिप्ट में एयरपोर्ट पे भी एक मसला हुआ था, एयरपोर्ट पे 5 घंटे उन्होंने बिठाया। अच्छा। बैग खोला, हर चीज खोली के कैमरे की। ये क्या बात हुई, हर चीज क्या खोली? हर चीज अरे बाबा, ये चीज मैं भी पकड़ लूंगा। कैमरे में आ रही T20 क्रिकेट को आपको प्रायोरिटाइज अगर करना है तो यही हाल होगा। 4 टीमें रह गई हैं, 6 फारिग हो गई हैं, इनमें से एक और न्यूजीलैंड गिर जाएगी क्योंकि वो होम की टीम है। तो आप टेस्ट क्रिकेट क्या करवाएंगे, डे एंड नाइट गेंद फलाना पिंक बॉल, ये सोचना पड़ेगा आपको। लीग्स को राशन देना पड़ेगा और राशन थोड़े से यार कमेंट्स पढ़ दे यार डॉक, ठीक है जी, पास में कमेंट पढ़ दे। ये जी शुएब भाई अपनी ऐसे छोड़ दो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। शादी क्यों नहीं कर लेते, कब करोगे? मतलब शादी, शादी जो है सर वो एक जिम्मेदारी है, मैं भी जरा एंजॉय करना चाहता हूँ जिंदगी। नहीं शादी तुम कर लो, जिम्मेदारी कोई और उठा लेगा। बहुत नाजुक सूरत हाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया जी, ये थे कुछ मीम्स सीमा हैदर से रिलेटेड। ताविश हाशमी के भी थे इसके अंदर मीम्स, तो ताविश हाशमी तो फायर करते ही रहते हैं। तो बात करते हैं सीमा हैदर की। मैडम कह रही थी कि मुझे हिंदुस्तान दिखाया, मुझे मतलब उनको प्यार व्यार कैसे हुआ, और इंडियन बंदे जो सचिन है वो कह रहा, उसके बारे में कह रही थी मैंने उसको पाकिस्तान दिखाया दिखाया, मतलब खुद को ना दिखाकर जगहें दिखाई और प्यार हो गया। सोचने वाली बात है, कौन सी जगहें दिखाई थी। मसला सुलझ नहीं पा रहा है अभी भी, शायद आपको ना पता हो, लेकिन यहाँ इंडिया में न्यूज़ में देखता रहता हूँ तो पता चलता है कि उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है, बहुत सारे सवाल अभी भी उठ रहे हैं उनके ऊपर।
अब पता नहीं क्लीन चिट कब मिलेगी उनको, एक आध दिन की बात और है, उनको रहने दिया जाएगा या वापस भेजा जाएगा, क्या होता है सीमा हैदर का वो कुछ जल्दी ही पता चलने वाला है। लोग मुझे बता रहे थे कि अगर आपको प्यार मोहब्बत कर कर रहना ही है साथ में तो शिफ्ट होना पड़ेगा, अपनी कंट्री छोड़नी पड़ेगी, दोनों लोगों को दुबई जाओ या कहीं जाओ वहाँ पर रहो तब रह सकते हो। लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड करते हैं।